दिवाली आ रही है नज़दीक और हम सब चाहते हैं कि हमें ज़्यादा टाइम किचन में ना रहना पड़े। तो क्या है जो ऐसी रेसिपी कोई मिल जाए जो टेस्ट में बेस्ट हो और बनाना भी बहुत ही इजी हो। तो फिर चलिए इस रेसिपी को ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पार्ले जी बिस्किट लेंगे। पार्ले जी बिस्किट से आज बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनने वाला है। तो हम 2 पैकेट पार्ले जी बिस्किट लेंगे। आप क्वांटिटी का हिसाब ध्यान से देखिएगा तो उससे क्या होगा, जो ये रेसिपी बनेगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ही यूनिक बनने वाला है। तो ये मैंने 2 पैकेट बिस्किट लिया है और मैंने घी गरम कर लिया है। और अब क्या करेंगे, बिस्किट को करेंगे फ्राई। तो आप सोच सकते हैं कि ये बिस्किट को फ्राई क्यों कर रही है, पर इसका जो टेस्ट आएगा ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और बहुत ही कम समय में बहुत ही यूनिक सा रेसिपी बन जाएगा। तो हम बिस्किट को कर लेंगे फ्राई मीडियम फ्लेम पर। फ्लेम को रखेंगे मीडियम, फ्लेम को हाई कर दीजिएगा तो फिर ये बहुत ही जल्दी जल जाएगा। अब बहुत ही सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है तो अब हम इसे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा तलने के बाद ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। बाद में भी आप रखिएगा इसे, आप दूसरे अलग अलग तरह की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बाद में भी रखने के बाद ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहता है। तो ये मैंने सारे बिस्किट को फ्राई कर लिए। तो अब क्या करेंगे, ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। अब हम इन सारे बिस्किटों को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, अच्छे से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हमें क्या करना है, इसे पीसना है तो इसीलिए हम अच्छे से इसे तोड़ लेंगे क्योंकि ग्राइंड हो जाए अच्छे से। और इसे हम कर लेंगे ग्राइंड। और ये मैंने ग्राइंड कर लिए, पीस लिए सारे बिस्किट को। आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी गुठली नहीं रहना चाहिए। गुठली अगर हो तो एक दो बार और आप चला दीजिए। और बहुत ही ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मैंने सारे दोनों पैकेट बिस्किट का मैंने पेस्ट बना, इसमें एक भी गुठली नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मैंने 2 पैकेट बिस्किट लिया है। बिस्किट में मैंने 22 ग्राम के लगभग मिल्क पाउडर लिया है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, शुगर सिरप बनाएंगे, चाशनी बनाएंगे। तो 1 कप मैंने चीनी लिया है तो आधा कप इसमें पानी डाला है। और चीनी को हम घुलने तक इसे पकाएंगे। चीनी की जो चाशनी है हमें 2 तार की चाशनी बनानी है। तो बस अगर चाशनी का मिल्क, और इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर, फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी 1 तार की चाशनी बनी है। तो इसे हम इसे 2-3 मिनट के लिए और हम पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। जब हमें 2 तार की चाशनी लगेगी तब फिर इसे हम बंद कर देंगे। अब हम एक पैन लेंगे, गैस को रखेंगे बंद। बंद गैस पर हम मिला हुआ ये बिस्किट का और मिल्क पाउडर का जो पेस्ट है उसको हम डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चाशनी, और चाशनी डाल करके हम अच्छे से पहले मिला लेंगे। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। दूध डाल करके इसे हम हल्का सा क्रीमी बना सकते हैं। और गैस को अभी हम बंद ही रखेंगे, पहले अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद गैस को ऑन करेंगे, नहीं तो क्या होगा, जल्दी जल्दी ये सूखने लगेगा। अब मैंने गैस ऑन कर लिया है और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। और गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम, मीडियम फ्लेम पर हम इसे मिलाएंगे। और अब वो मिल चुका है तो अब क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसे हल्का सा घी लगा करके ग्रीस कर लेंगे। इसमें बनाया हुआ पेस्ट डाल देंगे और डाल करके अच्छे से फैला लेंगे। और इस तरीके से कर लेंगे। और आप चाहे तो अभी देख सकते हैं बहुत ही गर्म है, तब चम्मच से कर लेंगे इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। 15 से 20 मिनट में ये सेट हो जाता है, पर ही रखेंगे 15 से 20 मिनट में ही सेट हो जाता है ये। अब इसे सजाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डालें काजू लगा देंगे। आप चाहे तो चांदी का वर्क लगा सकते हैं, पिस्ता बादाम, आपको जो भी पसंद है वो आप लगाइए। और 5 से 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर आप इस तरीके से कट करिए।
ये जो मिठाई बनती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जैसे कि आप ब्राउनीज खाते हैं ना, बस वैसा ही टेस्ट आएगा, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। तो इस दिवाली पे आप बना करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आएगा, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो एक बार आप बनाने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं है। और बस अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बस 10 मिनट में ही ये जम गया है। और उसके बाद अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जम जाएगा। अभी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, गरम गरम, हल्का सा गरम ही है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में भी और खाने में भी। तो इस दिवाली पे ट्राई करना तो बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए बनके, बिस्किट की बर्फी बनके तैयार है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है पार्ले जी बिस्किट से। बस 2 पैकेट बिस्किट से इतनी सारी मिठाई बनके तैयार है। आप चाहे तो इससे लड्डू के जैसा भी बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर। और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो फिर खाइए पीजिए, मस्त रहिए और मेरी रेसिपी को ट्राई करते रहिए। और इस दिवाली पर बना करके ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।